खबर भंडारा से है, जहाँ पर जिले के परसोडी स्थित सुगत बुद्ध विहार में 75वां संविधान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में अडहात मुख्य अतिथि एडवोकेट स्वयं काबले प्राचार्य नरेंद्र मेड़े बार्टी के शैलेश होमने उपस्थित रहे। मुख्य वक्ताओं में नागरिकों को भारत के संविधान के महत्व, संविधान के तहत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। सलाह एडवोकेट दहात और एडवोकेट कावड़े और बर्टीचे शैलेश होमड़े ने विशेष रूप से संविधान का पालन एवं सम्मान करने पर बल दिया। विशेषता 14 अप्रैल का क्रेज खूब जास्ता है। विशेषता जर अपन भंडारा मध्ये जर कधी बघितला तर भंडाराला जेव्हा 14 अप्रैल ची रैली निघतो तर असा वाटतो की जवळपास भंडारा हा पूर्णपणे जाम पडलेला आहे आणि 3-4 तास भंडारा हा जवळपास एकदम कार्य कोणत्याही प्रकारच्या करण्यापासून वंचित असतो अशी रैली असते। आणि त्याच दरम्यान एक रैली सुद्धा त्याच दिवशी ह्या वर्षी निघालेली होती, संविधान बचाव यात्रा। आणि 2024 हा एक महत्वाचा वर्ष सुद्धा आहे। ह्याच वर्षी इलेक्शन झाले लोकसभेचे, लोकसभेच्या इलेक्शन मध्ये मोठ्या प्रमाणात हमारा संविधान बदल रहा है, आरक्षण समाप्त हो रहा है, संविधान बचाने के लिए और आरक्षण बचाने के लिए मुहिम भारत में चलाई गई और उसका परिणाम भी ये निकला कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देकर संविधान बचाने का अपना उद्देश्य पूरा किया। अब जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने वोट दिया उनको भी पता नहीं है कि संविधान बदलता है या नहीं बदलता, कारण कि त्यांनी वाचलं नाही। संविधान समजणे हा एवढा सोपा विषय नाही। बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है हमारे लोग जो है भावनिक, अपने लोग का इमोशनल। बाबा साहब अम्बेडकर को हम फॉलो करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान के वो चीफ आर्किटेक्ट थे तो स्वाभाविक है कि हम उसके तौर पर हम संविधान के प्रति भी इमोशनल, और संविधान के प्रति इमोशनल होने की वजह से जितना हमको लॉजिकल होना चाहिए था, तार्किक होना चाहिए था, उतने उस प्रमाण में नहीं हो सके। और परिणाम यह है कि जैसे एक नागपुर हाईकोर्ट के एडवोकेट है फिरदौस मिर्जा, फिरदौस मिर्जा ने एक बार ऐसा कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पूरे वर्ल्ड में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर के रूप में जाना जाता है, संविधान के महान तत्वज्ञानी के रूप में जाना जाता है। और जितना उनका संविधान के ऊपर जितनी उनकी महारत थी, शायद दुनिया की इतनी बड़ी महारत और किसी व्यक्ति के पास नहीं थी। लेकिन उनके जाने के बाद कम से कम सेवन कास्ट में या जो न्यू बुद्धिस्ट जिसको अपन मानते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हो सकता। वो इसलिए भी नहीं हो सका क्योंकि हम जनरल संविधान को इमोशन पर ज्यादा लेते हैं, इमोशन ज्यादा होते हैं जबकि हमको लॉजिकल होने की ज्यादा जरूरत है। साथियों मुझे याद है कि संविधान के बारे में एक एक शब्द का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उसकी व्याख्या क्या है इसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई कई जजेस दिन रात एक करके उसका इंटरप्रिटेशन करने का काम करते हैं। मैं आपको एक जानकारी दूं कि जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था, केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 13 जजों की बेंच बैठी, 13 जज एक साथ आए और एक साथ आने के बाद उन्होंने संविधान का एक एक शब्द का उन्होंने निर्वचन किया, उसका अर्थ निकाला, उसका भावार्थ निकाला। आपल्या भाषा वाटते की संविधान हा 395 आर्टिकल पर्यंत लिहिलेला आहे म्हणजे मामला समाप्त, वैसा नहीं। हम जितना समझते हैं उससे भी ज्यादा संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में संविधान लिखने के लिए जो अपना योगदान दिया इसको कोई नकार नहीं सकता। और मैं ये बात बहुत बार ऐसी कहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान सभा में ना होते तो भारत का संविधान कुछ अलग किस्म का होता। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में थे इसलिए संविधान हमको इस प्रकार का मिला। और शायद अगर बाबा साहब अम्बेडकर
संविधान की बात को सभी लोगों ने माना होता तो भारत का संविधान और कुछ अलग होता। मतलब तीन संभावनाएं, जब बाबा साहब बनते तो भारत का संविधान लिखा था, बाबा साहब नहीं होते संविधान अपना भेटलेला आहे, आणि संघटनेने कधी बाबासाहेबांची संपूर्ण गोष्टी जर कधी संविधान सभेने मानल्या असल्या तर कदाचित हा संविधान अजून वेगळा असता, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाबासाहेब आंबेडकर ने मजबूरी में लाया, बहुत सारी चीजें बाबासाहेब आंबेडकर ने इस वजह से लाया क्योंकि उनके ऊपर दबाव था। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 4 नवंबर 1948 को जब संविधान सभा में अपना पहला मसौदा रखा, ड्राफ्ट रखा, तो उन्होंने ग्राम पंचायत सिस्टम का कोई भी प्रावधान नहीं किया था, पंचायत राज व्यवस्था इसका कोई प्रावधान नहीं किया था। और ये सवाल बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय संविधान सभा में पूछा भी गया और बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आरोप प्रत्यारोप भी लगाए कि आपने पंचायत राज व्यवस्था जरा आपने ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद चलाने को इसका कोई भी अपने प्रावधान नहीं किया, जो भारत की संस्कृति और उसकी विरासत का प्रतीक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका बड़ा जवाब दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि भारत में भारत को अगर किसी ने सबसे ज्यादा विदेशियों को लूटने का मौका दिया और भारत को किसी ने अगर बर्बाद किया, अगर ये सवाल कोई पूछता है तो मैं उसका जवाब दूंगा बोले कि भारत में पंचायत राज व्यवस्था ने भारत को बर्बाद किया। बाबा साहब अम्बेडकर। और ये भी बात अच्छी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पहले ड्राफ्ट में संविधान का जब पहला ड्राफ्ट बना उसमें उन्होंने पंचायत राज सिस्टम को वहां पर नहीं रखा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कारण कि खूब सारे लोग आम्हाला समजवला की गांधीजीच्या आशीर्वादाने गांधीजीच्या आशीर्वादाने बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेवर पोहोचले असे खूप लोक सांगतात। भंडारा से धम्पाल मेश्राम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।